नमस्कार। एक जो बहुत बार लोग मेरे से चीज़ पूछते हैं और जब हम काम करके उसको देते हैं, उसको करवा के देते हैं, हम कोई रिंग वगैरह बनवा के देते हैं, तो अष्ट धातु, पंच धातु, इस तरह की बहुत सारी जो हैं वो रिंग्स बनती हैं। जो लेने वाला व्यक्ति है वो ऐसा चाहता है कि मैं पंच धातु की अंगूठी बनवाऊँ और वो बिल्कुल जो है वो सोने की तरह हो, ताकि पहनी हुई भी बहुत अच्छी लगे। पर ऐसा संभव नहीं होता। जो पंच धातु है वो कुछ धातुओं का मिक्सचर होता है, जिसमें जस्ता भी एक जो है धातु होता है, जिंक जिसे हम बोलते हैं। ये जो है डल धातु होती है, तो ये बहुत चमकीली नहीं रह सकती। वैसे भी इसमें कॉपर ज़्यादा होता है, तो कॉपर ज़्यादा होने से ये टार्निश हो जाता है। इसके ऊपर जो है वो एक तरह का जो है परत आ जाती है, और वो हरे रंग की परत होती है, तो वो अंगूठी को जो है अजीब सा रंग दे देती है पूरा। एक और कहानी होती है रिंग्स में कि जहाँ पर ये जुड़ती हैं वहाँ पे चांदी का टांका लगता है। पंच धातु से पंच धातु को नहीं जोड़ा जा सकता, इसके लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। और जब चांदी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक डिफरेंट कलर दिखाता है। इससे भी लोग जो है हैरान होते हैं कि ये डिफरेंट कलर क्यों दिखा रहा है, जब चांदी का टांका है तो वो डिफरेंट कलर ही दिखाएगा ना कॉपर से। और उसकी फिनिश तो इतनी प्रॉपर आती नहीं, क्योंकि जो पंच धातु होता है वो बहुत ही हार्ड मेटल होता है। क्योंकि वो बहुत हार्ड मेटल होता है तो उसको मोड़ना, उसको फिनिश करना बहुत सरल कार्य नहीं होता, ख़ास तौर से जब हम उसमें रत्न जड़ रहे हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा उसके साथ तोड़ फोड़ मारपीट करेंगे तो रत्न ही टूट जाएगा। इसलिए जब आप पंच धातु की अंगूठी पहने तो उसकी फिनिश पे ध्यान ना दें, उसके इफेक्ट पे ध्यान दें, या फिर सोने या चांदी में जो है वो अंगूठी या पेंडेंट जो भी कुछ बनाना चाहते हैं उसे बनाएं। जेम स्टोन्स मतलब खन्ना जेम्स।